जब पिछले साल भोला मूवी रिलीज हुई थी तो ठीक उसी दिन मैदान का टीजर भी अटैच करके अजय देवगन ने थिएटर में रिलीज कर दिया था। और देखो यहाँ पर कल शैतान मूवी रिलीज होने वाली है तो ठीक आज ही मैदान का ट्रेलर रिलीज करके कल अटैच कर देंगे। वाह, अब इसको जीनियसगिरी कहो या बैकअप कहो कि मतलब एक नहीं चला तो दूसरा तो काम चला ही देगा। लेकिन कुछ भी कहो यार, जब से मैदान का टीजर देखा था तब से इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार हो गया था। इनफैक्ट मेरे को ही नहीं, सारे ऑडियंस को भी बेसब्री से इंतजार हो गया था। तो ये सारी चीजों को अजय देवगन ने मद्देनजर रखा है, फिर बोला कि अगर आप लोगों को इंतजार है तो एक काम करता हूं, मैं फिल्म को एक साल और पोस्टपोन कर देता हूं। देखो एक बात बताओ, जैसे फुटबॉल अपने कंट्री में स्ट्रगल कर रहा है, वैसे ये फिल्म को भी रिलीज होने में काफी स्ट्रगल करना पड़ा। कभी सेट उड़ गया, कभी ये मगजमारी, कभी वो मगजमारी, पर चलो दुनिया भर के डिले के बाद अब फाइनली फिल्म रिलीज होने वाली ईद पे, एंड इसका ट्रेलर भी आज आ गया है। एंड आपको बता दूं, मैंने जब से इसका टीजर देखा था, मेरे को टीजर से डायलॉग आज तक याद है जो मैं भूला ही नहीं था कि आज मैदान में उतरेंगे 11 लेकिन खेलेंगे सिर्फ कैरम, मतलब लेकिन दिखना सिर्फ एक। अब देखो मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि मैदान को कोई कोई भी कीमत पे मिस मत करो, क्योंकि ऑलरेडी अपने कंट्री में फुटबॉल बेस्ड वाली फिल्म बहुत कम आती है। वो लास्ट मैंने जून देखी थी, और उसके पहले वो सलमान खान की प्रेम रतन झंड पायो वाली फिल्म देखी थी, जहां पर सलमान खान फुटबॉल के नाम पे आंख में चोली खेलते, एंड मैंने कुछ जॉनी सिंस की फुटबॉल वाली फिल्म देखी थी, बस इससे ज्यादा नहीं देखी थी। बट आज जब मैं मैदान का ट्रेलर देख लिया और इस ट्रेलर को एक लाइन में रिव्यू करूं तो इतना ही कहूंगा कि इट्स अ सुपर हिट फैंटास्टिक ट्रेलर। ये फिल्म आप गारंटेड देखने जाओ 200% पैसा वसूल होगा। इनफैक्ट इसका ट्रेलर मेरे को अक्षय कुमार की गोल्ड मूवी का कंप्लीटली वाइब दे रहा है। एनीवेज, अब ये फिल्म बायोपिक है सैयद अब्दुल रहीम की, जिनको मॉडर्न इंडियन फुटबॉल का आर्किटेक्ट कहा जाता है, जिनका रोल अजय देवगन प्ले कर रहे हैं। एंड अजय देवगन ऐसे काइंड ऑफ रोल में इतना परफेक्ट लगते हैं, ऐसा लगता है वो ऐसे काइंड ऑफ रोल के लिए ही बने हैं। अरे जैसे निब्बा निब्बी अपने आंखों के आंसू से मोबाइल रिचार्ज निकलवा लेते हैं, वैसे ही अजय देवगन अपने आंखों से सामने वाले को चार्ज कर देते हैं, ये जादू रहता है। अब ट्रेलर उस एरा को इतना परफेक्टली बताता है, आई मीन कलर टोन देख लो, सिनेमेटोग्राफी देख लो, ऊपर से एआर रहमान का म्यूजिक, वो भी ऐसे काइंड ऑफ फिल्म में, मतलब जलवा ही जलवा। और तो और ट्रेलर को इतनी स्मार्टनेस से ऐसा काटा है कि जैसे ट्रेलर में कुछ कुछ जो हिस्से देखने मिल रहे हैं वो छोटे या कुछ कुछ हिस्से नहीं है, मतलब वो तबाही है जो फिल्म के अंदर भरपूर मात्रा में देखने मिलेगी। और वहीं ट्रेलर देखने के बाद ये भी लगता है कि भाई साहब, जब हम फुटबॉल में उस दौर में इतने मजबूत थे तो सोचो आज के टाइम पे हम कितने मजबूत रहेंगे। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि अब इस फिल्म से बदलाव आए या ना आए उसका तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन एक शुरुआत और एक होप आ सकती है फुटबॉल में, एंड वो लोग भी आगे आके, मतलब अब वो लोग भी करते ही रहेंगे अपने जगह, नो डाउट। बस ये पॉलिटिक्स बीच में आ जाते हैं, उसका ही ड्रामा है, बाकी कुछ नहीं। सो ओवरऑल मैदान ट्रेलर इज अ साइन ऑफ अ क्लासिक फिल्म्स। आप इस फिल्म को चाहे अजय देवगन के लिए देखो या चाहे फुटबॉल के लिए देखो, दोनों में आप निराश तो नहीं होगे, ये गारंटी तो जरूर दे देता है ट्रेलर। सो अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।